देखिए हमारे हस्बैंड जी हमारे लिए बना रहे हैं आज नाश्ता ऑमलेट वाला, और ये कर रहे हैं ब्रेड की कटिंग। तो आज हम करेंगे ऑमलेट का नाश्ता। चलिए जी, अब तो हमारा पैन अब गर्म हो चुका है और इसमें घी डाल दिया है, और अब जो अंडे का घोल है वो भी इसमें डल चुका है। चम्मच चम्मच कौन सी लो? ऑमलेट वाला और तो दूध आ चुका। तो अब ऑमलेट लगभग नहीं, ये टमाटर प्याज ही है। तो ये बन चुका है, अब इनमें चलिए देखते हैं। पास से ब्रेड लग गई है। ये कितनी ब्रेड है? एक ही है। बड़ी है ना। जब ये बन जाएगा ना, गैस बंद मत करना, ब्रेड सेक दूंगी मैं इसमें। तो लगभग ये रेडी हो चुकी है और अब प्लेट में लैंड करने वाली है। अभी नहीं हुई, तो अभी तो थोड़ी थोड़ी थोड़ा रुकावट में खेद है। ओ, पलट गई। ये देखिए आप नजदीक से कितनी अच्छी बनी है, कितनी यम्मी यम्मी। मुंह में पानी आ रहा है। ये सुबह का टाइम है हमारा और अब हम नाश्ता करेंगे दोनों। कचका दिगचका दिगचका, और ये उतर चुका है, उतर चुका है, उतर चुका है, बन गया मैंने। और अब मैं अलमारी की साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ। कॉपी वॉपी इधर उधर पड़ी है, थोड़ा इसको मैनेज करके रख रही हूँ, क्योंकि डेली जल्दी जल्दी में काम होता है सुबह के टाइम पे। तो थोड़ा इसकी बुक्स भी इधर उधर हो जाती है, अभिनव की ट्यूशन की अलग हो जाती है, स्कूल की, मतलब एक जगह मिक्स हो जाती है। इनको अलग अलग सेपरेट करके रख दूंगी, इसको थोड़ा सा ठीक कर दूंगी अलमारी को, और थोड़ा सा मैनेज करके रख दूंगी ताकि वो ठीक ठाक लगे। और नीचे भी थोड़ा उबड़ खाबड़ हो रखा है मेरा सामान, क्योंकि कल मैंने कुछ काम किया था तो जल्दी जल्दी में कोई सामान किधर रखा गया, कोई किधर रखा गया। तो थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूंगी ताकि ये भद्दा ना लगे, क्योंकि मेरे यहाँ इस पे सामान, सर्दी ज़्यादा है, सुबह के टाइम पे भगदड़ रहती है, काम ज़्यादा रहता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ता है। तो जितना हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। और थोड़ा सुबह के टाइम अभी ये चप्पल जूते इधर उधर पड़े रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सब अपने ये ऑफिस के शूज़ पहन के जाते हैं और अभिनव स्कूल के शूज़ पहन के जाता है, तो इनकी चप्पल जूते सब ऐसे फैले रहते हैं। तो बाद में जब ये चले जाते हैं तो मुझे मैनेज करके रखने पड़ते हैं, चप्पल को उनकी जगह, शूज़ को उनकी जगह, और यहाँ पे उसके सैंडल पड़े हुए थे, जो सैंडल मैंने दूसरी जगह रखे हुए थे वो उसने यहाँ पे निकाल के फेंक दिए, वो मैं अलमारी के नीचे रखती हूँ, तो वे मैं नीचे ही रख दूँगी ताकि मेरा कचरा ना फैले। तो मैंने रख दिए हैं। तुमने डाल भी दिया है तुमने? और क्या लाए अभी बेटा। रुक जा रुक जा रुक जा, बस बस गिरा जगह गिर जा। दो एक मिनट का बनाइए, दो तीन मिनट का, या कट्टा मैं लेकर जाऊंगी जब बोले। एक मिनट का हो गया, दो एक का अभी। रुक जा भी ना, रुक जा, हट जा, हट जा बेटा, हट जा, हट जा, 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 जा। मैं अपना कर लू, चला रोटी खा ले।
रखी है तो पकड़ लो। यस ओके इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहना था, ऐसे पार्क में लेके जाने इसको ऐसे ही, ठीक है? ये निकालोगे तो खराब हो जाएगा ये। ए बूम आ जा बूम एक बार फिर से करो। पागल लगे ठंड हो रही है, कैसे हेलीकॉप्टर कैसे बनाओगे? लो उड़ाओ अभी ना, हवा नहीं, हवा चल रही ठंडी ठंडी। अच्छा इसको पकड़ो, कैच करके दिखाओ, करो कैच करो कैच। कितने का आया ये, कितने का लेके आए हो आप बताओ सबको? पीस का ये आया 20 रुपीज का, यानी मेरे बेटे ने इसमें 20 रुपीज वेस्ट कर दिए क्योंकि अब फूट जाएगा तो 20 रुपए फूट जाएंगे पूरे तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, कैसा लगा मेरे बेटे का बैलून वाला ब्लॉग तो कमेंट करके बताना। उस सब के लिए बाय बाय टाटा।